नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और दैनिक एजुकेशन टीवी को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आईबा पार्क ने यूएफबीयू के साथ एक सर्कुलर जारी किए है, मतलब आईबा पार्क यूएफबीयू को एक सर्कुलर भेजा है और उस सर्कुलर का डेट है 5 फरवरी 2022। इसमें जो श्री संजीव के बांदिस जी है, कन्वेनर है यूएफबीयू का चंडीगढ़ में, तो इसमें आईबा पार्क यूएफबीयू को बता रहे हैं एक अच्छा चीज किए। दोस्तों, आईबा पार्क ने आईबीए को पहले भेजा, उसके बाद अभी यूएफबीयू को एक लेटर भेज रहे हैं। उस लेटर में बता रहे हैं, डियर कमरेड्स, पेंशन अपडेशन, मतलब सब्जेक्ट है पेंशन अपडेशन। तो यूएफबीयू को बता रहे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, और उस सुप्रीम कोर्ट में जो 20 जनवरी 2022 को जो एमसी सिंगला ने एक पिटीशन दायर किया, और उस पिटीशन में उन्होंने बताया आईबीए को 3 मंथ्स का टाइम दिया है और इस 3 मंथ के बाद फिर से कोर्ट का हियरिंग होगा, और हियरिंग होने के बाद यूनियन आईबीए फिर से जो 3 मंथ का रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा, उसके साथ साथ यूनियन के साथ भी मीटिंग होगा और उस कोर्ट में यूनियन भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें आईबा पार्क बता रहे, वी आर अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द अबव इशू व्हिच रीड्स एज अंडर, वी गिव 3 मंथ्स of time IBA to do the needful and submit appropriate report regarding the decision taken on the proposal. If final decision cannot be reached, the Indian Bank Association must submit the interim report before next date of hearing. List this matter after 3 months. उसके बाद दोस्तों और एक चीज बताते हैं, दिस ऑर्डर एज पास्ड व्हेन द काउंसिल ऑफ आईबीए सबमिट व्हाट द कमिटी व्हिच वाज सपोर्टेड एंड कंसीडर्ड द क्लेम ऑफ द पार्टीशन एंड सिमिलरली प्लेस्ड पर्संस वाज रिक्वायर्ड द चेयरमैन एंड कमिटी वाज डिटरमाइनिंग ऑफिस in views of the above development, we have an earliest request to you and all the UABU member to kindly consider the following suggestion. तो इसमें जो पहले जो suggestion है, UABU आप IBA का chairman को बताइए और उसके बाद एक प्रेशर क्रिएट कीजिए, जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट को फाइनलाइज करें और कमिटी को भी फाइनलाइज करके रिकमेंडेशन सबमिट करें। सेकेंड में वो लोग बता रहे हैं, राज्यसभा में जो लोग, मतलब इट आल्सो पेशेंट टू नोट दैट इवन द ऑनरेबल मिनिस्टर हैड इन हिज रिप्लाई to the question in the Rajya Sabha stated that the government received recommendation from IBA in respect of updation of pension, the government would consider the same. Third mein bata rahe, the assurance committee of Rajya Sabha has also in its report stated that bank pensioner basic pension has not been updated and argued for updation. IBA may also request to consider the issue of updation of pension of the RBI model. Fourth में दोस्तों RBI model का बात किए, RBI model since about regulation and modeled on RBI central government pension rules. तो 4 शर्त रखे है आईबा पार्क ने UABU के सामने, और UABU को जल्दी से जल्दी एक करना पड़ेगा और आईबीए को भी करना पड़ेगा, मतलब यूएफबीयू आईबीए को राजी कराएगा, आईबीए रिपोर्ट बनाएगा और आईबीए कमिटी को फाइनल करेगा। अगर यूएफबीयू एक करने में असमर्थ रहते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे आईबीए तो डिले कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूएफबीयू भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं।
तो देखते हैं दोस्तों, आईबीए और यूएफबीयू इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि आईबा पार्क ने सीधा अभी यूएफबीयू को चिट्ठी लिखा है और यूएफबीयू को प्रेशर क्रिएट करने के लिए बताया आईबीए के ऊपर, और राज्यसभा का कमिटी मेंबर ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दिए। तो आईबा पार्क का जो प्रेसिडेंट हो केवी आचार्य और सुप्रीति सरकार जो जनरल सेक्रेटरी है आईबा पार्क के, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं। और एक विशेष सूचना भी दिया है, सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज चल रहे उसके बारे में भी आईबा पार्क ने एक सूचना जारी किया है, उस सूचना के बारे में मैं बहुत जल्दी रिपोर्ट बनाने वाली हूँ, एक वीडियो बनाने वाली हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आने वाले हैं, जुड़े रहिए दैनिक एजुकेशन टीवी के साथ। थैंक यू।